दोस्तों, कल से साउथ अफ्रीका के खिलाफ शुरू हो रही टेस्ट सीरीज के पहले महामुकाबले के लिए भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टीम की प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है और उन्होंने इस मैच को जीतने के लिए भारत की प्लेइंग 11 में 4 बड़े बदलावों के साथ मैदान पर उतरने का फैसला किया है, जिसको देखते ही साउथ अफ्रीका की टीम ने पहले मैच में लगभग अपनी हार स्वीकार कर ली है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए सब कुछ बताने वाले हैं कि दोनों टीमों के बीच पहला टेस्ट महामुकाबला कहां खेला जाना है और क्या प्लेइंग 11 होने वाली है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम WTC फाइनल 2025 का आगाज साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहली सीरीज खेलने के साथ करेगी, क्योंकि भारतीय टीम ने अभी तक WTC के लिए कोई भी टेस्ट महामुकाबला नहीं खेला, इसीलिए भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने पहली टेस्ट सीरीज के लिए कोई भी रिस्क नहीं लिया है और भारत की पूरी तरह से ही प्लेइंग 11 बदल डाली है। तो भाई दोस्तों, इन दोनों टीमों के बीच टेस्ट सीरीज का आगाज 26 दिसंबर से होने जा रहा है, जहां पर पहला महामुकाबला दोपहर 1:30 से सेंचुरियन में खेला जाएगा। तो भाई साउथ अफ्रीका की टीम के कप्तान टेम्बा बमुंगा भी इस सीरीज के लिए काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि टेम्बा बमुंगा ने सीरीज शुरू होने से पहले ही ऐलान कर दिया है कि जिस तरह से हमारे बल्लेबाजों और गेंदबाजों की नाकामी के कारण हमें ODI सीरीज में हार झेलनी पड़ी है, उससे हमारा काफी मनोबल गिरा हुआ है, इसलिए अब हम हर हाल में ODI सीरीज में मिली हार का बदला टेस्ट सीरीज में जरूर लेंगे। लेकिन रोहित शर्मा ने जिस तरह से भारतीय टीम में विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज जैसे धाकड़ खिलाड़ियों की एंट्री कराई, उससे टीम इंडिया की प्लेइंग 11 और भी मजबूत मानी जा रही है। तो वहीं साउथ अफ्रीका की टीम भी इस महामुकाबले को लिए काफी उत्सुक नजर आ रही है, इसलिए इन दोनों टीमों के बीच ऐसी सीरीज काफी कड़ी और रोमांचक भरी होने वाली है, क्योंकि टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा के पास सुनहरा मौका होगा कि वह साउथ अफ्रीका की टीम को उसके घर में पहली बार टेस्ट सीरीज हराए, क्योंकि टीम इंडिया अभी कभी भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ उसके घर में टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाई, इसलिए रोहित शर्मा के लिए सीरीज चुनाव होने से पहले ही परेशानियां बढ़ रही हैं। लेकिन जिस तरह से भारतीय टीम ने हाल ही में वनडे सीरीज में जबरदस्त प्रदर्शन किया, उससे टीम का मनोबल बढ़ा हुआ है और जिस तरह से भारतीय टीम ने पिछली बार WTC फाइनल खेला था, उससे टीम इंडिया के रोहित शर्मा कप्तान काफी खुश नजर आ रहे हैं और रोहित शर्मा का कहना है कि हम हर हाल में इस सीरीज में कोई भी रिस्क नहीं लेंगे और टीम इंडिया यह सीरीज जीतकर एक इतिहास रच देगी। लेकिन जिस तरह से साउथ अफ्रीका की टीम के बल्लेबाज और गेंदबाज जिस तरह से टेस्ट क्रिकेट में एक अलग ही प्रदर्शन किया है, उससे टीम के लिए काफी मुश्किल भरी सीरीज होने वाली है। लेकिन जिस तरह से टीम इंडिया के बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट में एक जबरदस्त प्रदर्शन किया है, इसलिए इन दोनों बल्लेबाजों से इस सीरीज में और भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद जताई जा रही है। तो वही रोहित शर्मा ने पहले महामुकाबले के लिए एक नई प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरने का फैसला किया है, जहां पर इस मैच के लिए भारत के दो ओपनर बल्लेबाजों के रूप में रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल करते हुए दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि इन दोनों खिलाड़ियों ने टेस्ट क्रिकेट में एक अपनी अलग ही पहचान बनाई है। जहां पर रोहित शर्मा की बात की जाए तो वह अपने वनडे और T20 क्रिकेट में जबरदस्त प्रदर्शन करने के बाद वही प्रदर्शन अभी तक उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में जारी रखा है, जहाँ पर वह अपने इस टेस्ट करियर में की बात की जाए तो उन्होंने भारत के लिए अभी तक 52 टेस्ट महामुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने 15 अर्धशतक तथा 10 शतक के साथ वह 3,650 से भी अधिक रन बना चुके हैं। लेकिन जिस तरह से वह विदेशी सरजमी पर जबरदस्त प्रदर्शन करते हैं, इसलिए उनसे साउथ अफ्रीका के घर में उन्हीं के अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद जताई जा रही है। तो वहीं दूसरे ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल अभी युवा ओपनर बल्लेबाज हैं और वह लगातार जिस तरह से T20 क्रिकेट में अपनी अलग पहचान बनाई, उसी से उम्मीद है कि वह टेस्ट सीरीज में अपना वही प्रदर्शन जारी रखेंगे। जहाँ पर यशस्वी जायसवाल के टेस्ट करियर की बात की जाए तो उन्होंने भारत के लिए अभी तक ज़्यादा कुछ टेस्ट मुकाबले नहीं खेले हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक दो ही मुकाबले खेले हैं जिसमें वह 250 से भी अधिक रन बना चुके हैं, इसलिए उनके पास शानदार मौका होगा कि इस सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करके भारतीय टीम में अपनी जगह पक्की करें। तो भाई तीन नंबर के लिए टीम के पास सुमन गिल खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि सुमन गिल के लिए ओपनर बल्लेबाजी के लिए सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से यशस्वी जायसवाल की टीम इंडिया में एंट्री हो जाने से अब उन्हें तीन नंबर पर खेलना पड़ सकता है। हालांकि सुमन गिल ने भी अभी तक टेस्ट क्रिकेट में बेहद ही शानदार और किफायती बल्लेबाजी की है, जहाँ पर उन्होंने भारत के लिए 18 टेस्ट मुकाबले खेले हैं जिसमें वह 950 से भी अधिक रन बना चुके हैं। तो वही चार नंबर की टीम इंडिया में सबसे बड़े दावेदार टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली माने जा रहे हैं, क्योंकि विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं, इसलिए उनकी से उम्मीद है कि वह सीनियर खिलाड़ी होने के नाते वह इस सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और भारतीय टीम के लिए हर हाल में यह सीरीज जिताएंगे। जहां पर विराट कोहली ने अभी तक भारत के लिए 111 टेस्ट मुकाबले खेले हैं जिसमें वह 8650 से भी अधिक रन बना चुके हैं। तो वही
पांचवें नंबर के लिए टीम इंडिया के पास वर्ल्ड कप में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करके आने वाले श्रेयस अय्यर खेलते हुए दिखाई देने वाले, क्योंकि श्रेयस अय्यर ने जिस तरह से टेस्ट क्रिकेट में भी प्रदर्शन अच्छा किया है, इसलिए उनसे इस सीरीज में और भी जबरदस्त प्रदर्शन की उम्मीद जताई जा रही है। जहाँ पर टेस्ट श्रेयस अय्यर ने अभी तक भारत के लिए मात्र 10 ही टेस्ट मुकाबले खेले हैं, जिसमें वह 650 से भी अधिक रन बना चुके हैं। वहीं 6 नंबर के लिए टीम इंडिया के पास विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि केएल राहुल ने जिस तरह से उस साउथ अफ्रीका के खिलाफ हाल ही में खेली गई ओडीआई सीरीज में धमाकेदार प्रदर्शन करके भारतीय टीम के लिए ओडीआई सीरीज अपने दम पर जिताई है, उनसे उम्मीद है कि वह इस सीरीज में जबरदस्त प्रदर्शन करेंगे। जहां पर केएल राहुल ने पिछले दौरे पर ही साउथ अफ्रीका के खिलाफ सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था और भारतीय टीम के लिए उस सीरीज में एक टेस्ट जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जहां पर उन्होंने पिछले दौरे पर एक शतकीय पारी खेली थी, तो उनसे और भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद जताई जा रही है। तो वहीं 7वें नंबर के लिए टीम इंडिया के पास दो बड़े प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, जहां पर दोनों ही ऑलराउंडर खिलाड़ी रविचंद्र अश्विन और रविंद्र जडेजा में टक्कर देखने को मिल सकती है। हालांकि रविचंद्र अश्विन ने जिस तरह से बल्ले और गेंदबाजी से जबरदस्त प्रदर्शन किया है, उससे रविचंद्र अश्विन की इस महामुकाबले में जगह पक्की मानी जा रही है। हालांकि रविंद्र जडेजा भी प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से रविचंद्र अश्विन ने अभी तक भारत के लिए 94 टेस्ट महामुकाबले खेलकर 489 विकेट अपने नाम किए, इसलिए वह प्रमुख स्पिनर के रूप में भारतीय टीम में खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो वहीं 8वें नंबर के लिए टीम इंडिया के पास एक और ऑलराउंडर खिलाड़ी शार्दुल ठाकुर की जगह पक्की मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से शार्दुल ठाकुर ने पिछले दौरे पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपने बल्ले से दम दिखाया था, इसलिए उनसे इस दौरे पर और भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद जताई जा रही है। जहां पर शार्दुल ठाकुर ने पिछले दौरे पर गेंदबाजी भी जबरदस्त की थी, तो वहीं बल्लेबाजी से उन्होंने लगातार 2 अर्धशतक भी लगाए थे। तो वहीं 9वें नंबर के लिए भारतीय टीम के पास यॉर्कर किंग गेंदबाज जसप्रीत बुमराह मौजूद है, क्योंकि जिस तरह से जसप्रीत बुमराह ने टेस्ट क्रिकेट में अपनी यॉर्कर गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, उससे रोहित शर्मा के लिए उम्मीद है कि वह इस सीरीज में और भी अपना जबरदस्त प्रदर्शन करेंगे। जहां पर बुमराह ने अभी तक 30 टेस्ट मुकाबले खेले हैं, जिसमें वह 128 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। तो वहीं 10वें नंबर के लिए टीम के पास मोहम्मद सिराज जैसे तेज गेंदबाज मौजूद हैं, क्योंकि मोहम्मद सिराज ने अभी तक टेस्ट क्रिकेट में एक अपनी जबरदस्त गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। हालांकि उन्हें भारत के लिए अभी तक 21 टेस्ट मुकाबले खेलने का मौका मिला है, जिसमें उन्होंने किफायती इकोनॉमी के साथ 59 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। तो वहीं आखिरी नंबर के लिए टीम में 2 प्रबल दावेदार खिलाड़ी माने जा रहे हैं, जहां पर तेज गेंदबाज मुकेश कुमार और प्रसिद्ध कृष्णा में जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी। लेकिन जिस तरह से हाल ही में मुकेश कुमार ने T20 तथा ODI सीरीज में जबरदस्त प्रदर्शन किया है, उससे उनका दावा सबसे मजबूत माने जा रहा है। हालांकि मुकेश कुमार भी प्रबल दावेदार माने जा रहा है, देखना होगा कि किस खिलाड़ी को खेलने का मौका मिलता है।